हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे मेरी स्क्रीन पर दिख रही इंस्टाग्राम आईडी पर बता सकते हो, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने वो कहानी पहले किसी और चैनल को ना दी हो। आज की कहानी हमें भेजी है ब्रज बिहारी मिश्रा जी ने। आइए आगे की कहानी को वैसे ही जानते हैं जैसा कि उन्होंने हमें इस कहानी को भेजा है। ऐसा कहा जाता है कि पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा किला वो किला है जिसमें युवा मराठा राजकुमार की हत्या की गई थी, और उस किले में से आज भी रात को 12 बजे एक आवाज़ सुनाई देती है, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। लोग कहते हैं कि वो किला प्रेत बाधित है, लेकिन सच क्या है वो आज तक पता नहीं चल पाया। इसी किले के द्वारा प्रचलित एक कहानी को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। एक बार एक डायरेक्टर अपने कैमरामैन के साथ शनिवारवाड़ा किला गया, क्योंकि उसे फिल्म की अगली शूटिंग के लिए एक खंडहर की ज़रूरत थी। वो दोनों ही शनिवारवाड़ा पहुंचते हैं और उसके बाद डायरेक्टर कहता है, सुनो भाई, यही है वो किला जहाँ पर हम फिल्म का अगला सीन शूट करेंगे, तो तुम एक काम करो, वो कैमरा निकालकर यहाँ के कुछ फ़ोटोज़ ले लो और अंदर जाकर हम ये देखेंगे कि हम कैमरा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है सर, चलिए पहले हम बाहर से कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। फिर वो कैमरामैन उस किले के फ़ोटोज़ लेने लगता है। एक तो वैसे ही वो दोनों किले के पास शाम के 6 बजे पहुंचे थे, और उस पर से किला बड़ा होने के कारण उन्हें किले के बाहर के फ़ोटोज़ लेने में ही शाम के लगभग 7:30 बज गए थे। उसके बाद डायरेक्टर कहता है, बाहर से फ़ोटोज़ हो गए ना? हाँ, बाहर से ले लिए हैं, अब सिर्फ अंदर से लेने बाकी हैं। अभी तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो फ़ोटो लेना ज़रा मुश्किल होगा, पर हमें आज ही सारे फ़ोटो लेने होंगे, और कैमरा कहाँ पर रखेंगे वो भी आज ही देखना होगा। मेरे पास बैटरी वाली लाइट्स हैं, हम उससे बाकी का काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, डायरेक्टर कहता है। वो दोनों ही उस किले के अंदर जाते हैं और डायरेक्टर ने लाइट पकड़ी हुई थी और कैमरामैन फ़ोटोज़ ले रहा था। कैमरामैन फ़ोटोज़ ले ही रहा था कि तभी उसके कैमरे के सामने से कोई गया, और उस कैमरामैन को ऐसा एहसास भी हुआ, उसे लगा लेकिन कि शायद उसका कोई वहम होगा, और उसने ये बात डायरेक्टर को नहीं बताई और फ़ोटोज़ लेता रहा। कैमरामैन जितनी बार फ़ोटो लेता था उतनी बार उसके कैमरे के सामने से कोई चीज़ तेज़ी से गुजर जाती। ऐसा लगातार होने के कारण वो डर गया था और आखिरकार उसने ये बात डायरेक्टर को बताई। उसने कहा, सर, मैं जितनी बार यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहा हूँ मेरे कैमरे के सामने से कोई तेज़ी से इधर उधर भागता है, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डायरेक्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, हाँ हाँ, लगता है तुम्हें नींद आ रही है इसीलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये लाइट तुम पकड़ो, मैं फ़ोटो लेता हूँ। फिर डायरेक्टर कैमरामैन को लाइट देकर खुद फ़ोटो खींचने लगता है, और वो जैसे ही सीढ़ियों के फ़ोटो खींचने लगता है तो उसे कैमरे में कोई आत्मा अपने हाथों के बल पर सीढ़ी से उतरते हुए दिखाई देती है। ये देखकर डायरेक्टर बेहद डर जाता है और कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर कैमरामैन अपना कैमरा उठाता है और डायरेक्टर के साथ वहाँ से भाग निकलता है। उसके उस किले से दूर जाते के साथ ही किले में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। उसके अगले दिन कैमरामैन कैमरा ठीक करवाकर उस डायरेक्टर के साथ बैठकर उस किले के अंदर के फ़ोटोज़ देखने लगता है। वो कहता है, सर, उस किले की हर फ़ोटो में एक काली सी परछाई दिखाई दे रही है, हमें जल्दी ही स्टूडियो जाकर चौहान जी से कहना होगा कि वो इस फिल्म के लिए कोई और किला देख लें, यहाँ पर शूटिंग करना खतरनाक हो सकता है, चलिए फिर हम स्टूडियो चलते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों ही स्टूडियो पहुंच जाते हैं
और उसके बाद कैमरामैन कहता है सर हमें जल्दी ही हमारे साथ घटी घटना को चौहान सर को बताना होगा, हाँ जल्दी चलो। दोनों ही चौहान के पास पहुंचते हैं। दरअसल चौहान इस फिल्म का प्रोड्यूसर था, इसीलिए वो दोनों उससे बात करने के लिए आए थे। डायरेक्टर से कहता है चौहान सर बोलो क्या तुम दोनों ने उस खंडर का निरीक्षण कर लिया, क्या हम अच्छी तरह उस खंडर में शूटिंग कर सकते हैं। नहीं सर उस खंडर में फिल्म शूटिंग नहीं करनी चाहिए। आखिर क्यों? डायरेक्टर और कैमरामैन ने वो सारी घटना बताई जो उस खंडर में उनके साथ हुई, और उसके बाद चौहान बोलता है क्या तुम लोग ये सारी बातें सच बोल रहे हो। हाँ सर। नहीं नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, शायद तुम लोग सोते सोते सपना देख रहे होगे। नहीं सर वो सब एक सपना नहीं था। नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हमें फिल्म की शूटिंग करनी है, वैसे फिल्म की रिलीज डेट ऑलरेडी बहुत डीले हो चुकी है और मेरा इस हॉरर फिल्म में काफ़ी सारा पैसा भी लग गया है, और हो सकता है कि तुम दोनों ये फिल्म ऐसे ही छोड़ दो और मेरा पैसा डूब जाए। नहीं सर ऐसा नहीं है, उस खंडर का ज़रूर कोई रहस्य है। नहीं मैं किसी और को भेज दूंगा वहाँ पर उस खंडर के निरीक्षण के लिए, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, उस खंडर में ज़रूर कोई आत्मा है। नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। डायरेक्टर और कैमरामैन की बात पर यकीन ना करके चौहान उन्हें वहाँ से निकाल देता है, और डायरेक्टर और कैमरामैन भी चौहान को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कुछ, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो दोनों स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और कैमरामैन कहता है अब हम क्या करें, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, चौहान जानबूझकर किसी को अपनी जान गंवाने के लिए वहाँ पर भेजेगा ही, तो अब क्या करें, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ऊपर वाला ही करेगा जो करेगा, अब हम अपने अपने घर चलते हैं, फिर अगली बार तुमसे कब मुलाकात होगी वो तो कुछ पता भी नहीं है। ठीक है सर मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। इधर चौहान अपने ही मन में बड़बड़ा रहा था, ये दोनों ज़रूर झूठ बोल रहे थे, मैं वहाँ किसी और को भेज देता हूँ लेकिन किसको भेजूँ। तभी चौहान के मन में आयुष का ख्याल आता है, हाँ आयुष वहाँ जा सकता है और मेरी ये हॉरर फिल्म का काम भी पूरा हो जाएगा, अभी फ़ोन करता हूँ इसे। चौहान आयुष को फ़ोन लगाता है। उधर आयुष आराम से अपने घर में गहरी नींद में सोया था, तभी उसका फ़ोन बजता है और उसकी नींद खुल जाती है। यार इस टाइम कौन फ़ोन कर रहा है, वो नींद में ही कॉल को कट कर देता है और अपने फ़ोन को पास फेंक कर फिर से सो जाता है। चौहान एक बार फिर से उसे का नंबर डायल करता है और इस बार वो आधी नींद में कॉल पिक करके बोलता है कौन। आयुष मैं चौहान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सेठ, कोई फिल्म शूटिंग करवानी है क्या। हाँ आयुष तुम जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है सेठ मैं 11 बजे तक आता हूँ। ठीक है। फिर आयुष फ़ोन रख कर सो जाता है। उसके बाद आयुष सोते सोते खटिया पर से सीधा झुंझुना के ऊपर गिर जाता है। झुंझुना उसके गिरने से अचानक से उठ जाता है और वो आयुष को देखकर जोर जोर से बोलने लगता है, और गिरने से आयुष की भी नींद टूट गई थी। अरे यार आयुष कभी तो मुझे मेरा सपना पूरा करने दो, हर बार मेरे सपने की ऐसी ऐसी करने आ जाते हो तुम। पता है यार तू कैसा सपना देखता है, तू और तेरी गर्लफ्रेंड पार्क में बैठे हैं और धीरे धीरे सब लोग उस पार्क से जाते हैं और रात हो जाती है, तू अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने ही वाला होता है और तभी तू मेरे ऊपर गिर जाता है और मैं नींद से उठ जाता हूँ। तुझे और कोई सपना नहीं आता है क्या, क्या हर बार एक ही वाहियात सपना देखता रहता है। देख ये सपना तेरे लिए वाहियात होगा लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। आखिर तू मेरा सपना कब पूरा होने देगा, बता तभी मैं सोऊंगा, अगर नहीं बताया तो नहीं सोएगा। अबे कभी तो मेरे सपने के लिए सीरियस हो जाया कर यार। अच्छा यानी तेरे सपने के लिए मैं कोई ऐसी बीमारी पैदा कर लूँ जो बहुत सीरियस हो और मैं अस्पताल में एडमिट हो जाऊँ और तू यहाँ पर आराम से अपना सपना पूरा कर ले। वाह वाह ऐसा गद्दार दोस्त तो तुझे ही चाहिए होगा। इतना बोलकर आयुष वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद झुंझुना बोलता है ये कभी मेरी बात को नहीं समझता है और मैं समझाऊँ तो हमेशा ही उल्टा मतलब निकालेगा, पता नहीं इसका क्या होगा। आयुष कहने को तो एक डायरेक्टर के साथ साथ बहुत अमीर आदमी था, पर वो हमेशा ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था क्योंकि उसने जन्म से जब तक उसे होश संभाला है तब तक वो झोपड़े में ही रहा था, और झुंझुना उसका बचपन का दोस्त है जो कि हमेशा उसके साथ था। दोनों एक साथ ही रहते थे, और इन दोनों की किस्मत भी ऐसी है कि आयुष डायरेक्टर है तो झुंझुना कैमरामैन। कुछ देर बाद आयुष और झुंझुना दोनों तैयार हो गए थे। सुन तू अपना फ़ोटो कैमरा ले ले। पर हम जा कहाँ रहे हैं,
अरे वो चौहान सेठ ने बुलाया है, वो साला कंजूस। हाँ वहीं पर, जल जल्दी चलते हैं। ठीक है यार चल। झुंझुना अपना कैमरा लेकर आयुष के साथ चौहान के ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसके बाद वो बोलता है, क्या लगता है चौहान हमें क्यों बुलाया होगा? वो ये तो अब वहाँ जाके ही पता लगेगा। देख यार, अगर वो किसी फिल्म की शूटिंग करना चाहता है ना, तो इस बार पूरे पैसे लूँगा। साले ने पिछली बार जितना पैसा देने को बोला था उसका आधा दे के हमें निकाल दिया। हाँ यार, पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद ना पता चलेगा किस लिए बुलाया है। तब तक के लिए तू प्लीज़ मुझसे सवाल करना बंद कर दे। ठीक है यार, अब तू बोल रहा है तो मैं चुप हो जाता हूँ और कुछ नहीं बोलूँगा। पर चौहान ने बुलाया ही क्यों है यार? सवाल नहीं करूँगा, बोल के फिर सवाल कर रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं बोल रहा मैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों चौहान के पास पहुँच जाते हैं तो आयुष बोलता है, बोलो चौहान सेठ, क्यों बुलाया मैं यहाँ पर? आयुष, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, लेकिन वो फ़िल्म आधी बन चुकी है और उस फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म को छोड़ दिया है। ज़रूर तुमने उसके पैसे काटे होंगे, इसीलिए वो फिल्म छोड़कर भाग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो सेठ, हम तुम्हारी फ़िल्म पूरी कर दें? हाँ, तुम ये फ़िल्म पूरी कर दो और तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। ओ सेठ, मैं हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तुम्हारा फिल्म बनाने का जितना पैसा होगा मैं तुम्हें उतना ही दूंगा। वैसे मैं बता दूँ कि ये फिल्म एक हॉरर जेनर की फ़िल्म है और बहुत ज़्यादा डरावनी होनी चाहिए। अब उस फिल्म को बनाने के लिए हमें एक खंडर चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया है। बस वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारा काम करना है और रात से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, खंडर कौन सा है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक खंडर है और उसका नाम है शनिवार वाड़ा। ठीक है, शाम तक मैं वापस पहुँच जाऊँगा उस खंडर में। ठीक है, फिर आयुष और झुंझुना दोनों शनिवार वाड़ा खंडर की ओर निकल पड़ते हैं। वो दोनों ही दोपहर के 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद आयुष कहता है, अच्छा तो ये है शनिवार वाड़ा। यार ये खंडर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरा आग में जल गया हो? मुझे क्या पता यार, मैं भी तेरे साथ पहली बार ही आया हूँ ना, उन भाई साहब से पूछते हैं। हाँ ठीक है। अरे भाई साहब सुनिए, मेरा नाम भाई साहब नहीं, अशोक है। हाँ तो अशोक जी, आप बता सकते हैं कि ये खंडर जला हुआ कैसे है? इस किले का निर्माण 18वीं सदी में 1746 में किया गया था। इस किले को कुछ अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी थी जिसकी वजह से यह जल गया, और इस किले का जो हिस्सा सुरक्षित बचा है वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है ताकि वो यहाँ पर घूम सकें और हिस्ट्री के बारे में जान सकें। थैंक्स अशोक जी। उसके बाद अशोक वहाँ से चला जाता है और आयुष कहता है, अगर ये घूमने की जगह तो यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? अरे यार वो सब छोड़ ना, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। हाँ सही कहा तूने, मैं तो भूल ही गया था। हाँ चलो इस किले के अंदर चलते हैं। यार ये पहले किला था पर अभी खंडर बन चुका है। हाँ यार वही खंडर या किला, तू जो समझ ले वो समझ, अंदर चल। ठीक है चल। दोनों ही किले के अंदर चले आते हैं तो अचानक से एक अजीब सी हवा चलने लगती है। एक अजीब सा एहसास उन दोनों को महसूस होने लगता है, पर उन दोनों ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपना अपना काम करने लगे। आयुष कहता है, झुंझुना तू मुझे फॉलो कर और जहाँ का कहूँ वहाँ के फ़ोटोज लेता रहा। ठीक है। झुंझुना ने आयुष के कहे अनुसार फ़ोटो लिए और उसके बाद कहा, झुंझुना जब इस खंडर के अंदर एक्टर्स आएंगे तो कैमरा वहाँ से नीचे उतरेगा और दूसरा कैमरा इधर से नीचे जाएगा, उसके बाद उस कैमरा को खंडर के अंदर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं बाकी के फ़ोटोज़ ले लेता हूँ, तुम यह देख लो कि यहाँ पर कितने कैमरे लगेंगे। दोनों को अपना अपना काम करते करते शाम के 5 बज गए थे। काम पूरा हो चुका था तो उसके बाद आयुष कहता है, चल यार सारा काम हो गया है, आज तो शूटिंग हो नहीं सकती, इसलिए हम कल यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है यार चल वापस चलते हैं। वो दोनों वापस स्टूडियो जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद आयुष कहता है, यार झुंझुना मैं उस खंडर के अंदर गया तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ यार लग तो मुझे भी रहा था यार, वहाँ पर शूटिंग हो जाएगी ना? क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? जब मैं ये देख रहा था कि कैमरा कहाँ पर लगाने हैं तो मुझे वो खंडर कुछ डरावना लग रहा था, कहीं फिल्म के एक्टर्स भी ना डर जाएं। अरे यार तू क्या सोच रहा है, वहाँ पर यार लाइटमैन होगा, कैमरा ऑपरेटर होगा, जो जो कैमरा को संभालेंगे वो सब होंगे, और भी कितने सारे लोग रहते हैं। जब इतने सारे लोग वहाँ पर रहेंगे तो वो सब एक्टर्स डरेंगे क्यों? हाँ भाई तू सही बोल रहा है, चल जल्दी अब हम स्टूडियो पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों स्टूडियो पहुँच जाते हैं उसके बाद झुंझुना कहता है, चल जल्दी यार। हाँ आ रहा हूँ। दोनों चौहान के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, सेठ आपका काम हो गया है,
आज तो नहीं, शूटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ। ठीक है, हम चलते हैं। इस कैमरे में उस खंडर के कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख लेना। आयुष चलो। झुंझुना और आयुष घर के लिए निकल जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद चौहान कहता है, चलो उस खंडर के फ़ोटोज़ देख लिए जाएँ। चौहान एक एक करके सारे फ़ोटोज़ देखता है और उसके बाद चौहान अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरी फ़िल्म का काम पूरा होगा। उसे पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सारे एक्टर्स से बोल देता हूँ, कल टाइम पर सब लोग आ जाएं। चौहान सबको फ़ोन करके बोलने लगता है, पर चौहान सबकी जान को खतरे में डाल रहा था। इस बात से वह अनजान था, पर अब ज़्यादा देर तक वह इस बात से अनजान नहीं रह पाएगा। अगली सुबह आयुष कहता है, झुंझुना यार, चौहान से बात तो करनी पड़ेगी, उसकी फ़िल्म में कोई दिन का शूट तो करना ही नहीं है। हाँ यार, जल्दी फ़ोन कर। आयुष चौहान को फ़ोन करता है और उधर से चौहान कहता है, बोलो आयुष क्या हुआ? सेठ, हमें अब बस रात की ही शूटिंग करनी है, दिन की नहीं। स्क्रिप्ट तुमने पहले क्यों नहीं भिजवाई थी? नहीं, अभी तो सिर्फ रात में ही शूटिंग करनी है। तो हम सब लोग ऐसा करते हैं, शाम के 5 बजे खंडर पर पहुँच जाएंगे और सारे कैमरा अपनी जगह पर लगा देंगे। आप सारे कलाकारों को 7 बजे तक वहाँ लेकर आ जाइएगा। ठीक है, मैं सबको लेकर 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है। क्या हुआ आयुष? शूटिंग के लिए शाम को जाना है। ठीक है। फिर शाम को 5 बजे आयुष और झुंझुना के साथ उनका पूरा क्रू उस खंडर में पहुँच जाता है और सारे कैमरास को सेटअप कर देता है। रात में 7 बजे चौहान भी सारे कलाकारों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद चौहान कहता है, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब शूटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुनिए सुनिए, यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं वो कृपया ड्रेसिंग रूम में जाइए और चेंज कर लीजिए। आप सब जल्दी आइए। सब कलाकार ड्रेस चेंज करने चले जाते हैं और उसके बाद आयुष कहता है, सेठ कहानी का पेज लाए हो क्या? ओ सॉरी, मैं कहानी देना तो भूल ही गया था, अभी दे देता हूँ। आयुष ज़रा इधर आओ। क्या हुआ? ये छोटा कैमरा कहाँ लगाना है? वो वहाँ पर अंदर आने वाले दरवाज़ों के पास लगा दो। ठीक है। ये लो स्क्रिप्ट, चौहान कहता है। ठीक है, अब आप वहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद आयुष अपने मन में सोचने लगता है, जब तक सब कलाकार तैयार हो रहे हैं तब तक मैं स्क्रिप्ट को थोड़ा पढ़ लेता हूँ। आयुष आराम से कहानी पढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब सारे कलाकार रेडी होकर आ जाते हैं, तब तक 8:30 बज चुके थे और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी। आयुष कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फिल्म आधी शूट हो चुकी है और बाकी के जितने सीन्स हैं वो इस खंडर में ही हमें शूट करने हैं और पूरी फिल्म फिर हमारी रेडी हो जाएगी। तो अभी ये पहला सीन है इस खंडर का। आप सबको इस दरवाजे से इस खंडर के अंदर आना है और आप सबको बोलना है कि कितना बड़ा और डरावना खंडर है। ये आपको एक साथ ही बोलना है और अब आप सब लोग बाहर जाइए, दरवाज़ा बंद कर लो। तो शुरू करते हैं। कैमरा रोलिंग, सीन 1, एक्शन। सारे कलाकार दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं और डरते हुए कहते हैं, कितना बड़ा और खौफनाक खंडर है। बहुत अच्छा, अगला सीन है, आप सबको इस खंडर के अंदर सीधा जाना है। फिल्म शूटिंग शुरू हो गई थी, समय बीता जा रहा था और इस खंडर के अंदर सबके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। उस खंडर में अलग अलग जगह पर सीन शूट किए जा रहे थे और धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था। धीरे धीरे 8:30 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 बज गए थे। आयुष कहता है, देखो अब थोड़े ही सीन्स बचे हैं, बस 3-4 सीन और शूट करने हैं, उसके बाद हमारी फिल्म ओवर हो जाएगी। अगले सीन के लिए इस खंडर के अंदर जाना है। सभी लोग खंडर के अंदर के एक हिस्से के अंदर जाते हैं और सारे कैमरा उसकी जगह पर लगा दिए गए थे। आयुष कहता है, राजेश जी आपको बोलना है, मुझे कोई बचाओ, मैं अब फंस गया हूँ। ठीक है सर। राजेश उन्हीं कलाकारों में से एक था। राजेश अपनी लाइन बोलने ही वाला था कि तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। आयुष को लगा कि ये राजेश ने बोला है, तो बोलता है, राजेश जी आपको चाचा मुझे बचाओ नहीं बोलना है, आपको बोलना है मुझे कोई बचाओ, मैं अब फंस गया हूँ। फिर राजेश अपनी लाइन बोलने ही वाला होता है कि तभी फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। अरे राजेश जी आपको चाचा मुझे बचाओ नहीं बोलना है, आपको बोलना है मुझे कोई बचाओ। झुंझुना कहता है, राजेश जी आप अच्छे से सुन लीजिए पहले फिर बोलिए। पर सर मैं तो कब से कुछ बोल ही नहीं पा रहा, तो कौन बोल रहा है?
फिर वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। आयुष कहता है, ये कौन बोल रहा है, आखिर ये कौन है, मुझे कोई बताएगा आखिर क्या हो रहा है सेट पे। चौहान चिल्लाता है, सेठ तुम शांति से बैठो ना। हाँ तो अब राजेश तुम अपनी लाइन्स बोलो। फिर जैसे ही राजेश बोलने लगता है तो वापस से वही आवाज़ आती है, चाचा मुझे बचाओ। आयुष चिल्लाता है, अरे कौन है यार बार बार बीच में बोल रहा है, थोड़े चुप नहीं रह सकता है क्या। वो सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, और वो आवाज़ लगातार आए जा रही थी। आयुष फिर से बोलता है, यार कौन बार बार बोल रहा है ये सब, किसका चाचा किसको बचाएगा। यार कुछ देर शांत रहो, उसके बाद चिल्लाते रहना, झुंझुना बोलता है। तभी अचानक से उस खंडर में जितनी भी लाइट्स थी वो सारी जलने और बुझने लगती हैं। राजेश कहता है, सर मुझे लगता है इस खंडर में किसी आत्मा का चक्कर है, आप सब यहाँ से जाएं या ना जाएं, मैं तो जा रहा हूँ। फिर राजेश वहाँ से अकेले ही चला जाता है। और उसके बाद चौहान कहता है, अरे राजेश रुको, सुनो। राजेश चौहान की बात नहीं सुनता और अकेला ही इस खंडर से निकलने के लिए चला जाता है। आयुष कहता है, चौहान जी मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। चौहान जी आयुष सही बोल रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन मेरी फिल्म, अरे वो कहीं और या किसी अच्छे खंडर में शूट कर ली जाएगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ से प्लीज चलिए, आप सब भी यहाँ से जल्दी निकल जाएं। चौहान कहता है, सब के सब वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, लेकिन प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। खंडर में बने उस कमरे से कुछ ही लोग अभी बाहर निकले थे कि तभी अचानक से बाहर का दरवाज़ा बंद हो गया था। और उसके बाद चौहान चिल्लाता है, अरे अचानक क्या हो गया, कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमें यहाँ से निकालो। उस कमरे के अंदर जितने भी लोग फंसे थे उन सब में चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, और जो लोग बाहर आ चुके थे वो सब वापस फंसना नहीं चाहते थे, इस कारण वो सब उस कमरे में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद फिर से उस कमरे में वही आवाज़ आती है, चाचा मुझे बचाए बिना कहाँ जा रहे हो, मुझे बचाओ ना, अब हम क्या करें, यहाँ से बाहर कैसे निकलें। आयुष कहता है, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर इस दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या हम ये पुराने समय वाला दरवाज़ा तोड़ पाएंगे, चौहान कहता है। तभी गीता बोलती है, कोशिश करके देखते हैं, शायद दरवाज़ा टूट जाए। गीता उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार थी, मतलब फिल्म की मेन एक्ट्रेस थी। चौहान बोलता है, ठीक है कोशिश करके देखते हैं। भाइयों आप सब हमारा साथ देंगे ना, सब ने कहा, हाँ हम आपका साथ देंगे और ये दरवाज़ा तोड़ के रहेंगे। फिर सब मिलकर उस दरवाज़े को ज़ोर से धक्का देने लगते हैं, और इधर राजेश जो कि अकेले वहाँ से निकल रहा था वो अपने आप में बोलता है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। राजेश आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक काला साया दूर से ही उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, और साये को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। राजेश कहता है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब मैं क्या करूं। राजेश डर के मारे पीछे की तरफ वापस भागने लगता है, और फिर आयुष कहता है, इस दरवाजे को तो तोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है, पर हम सब कोशिश करते रहेंगे, चलो दोस्तों। सब ने उस दरवाजे के ऊपर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और इधर राजेश उस साये के डर से पीछे की तरफ बिना देखे भागे जा रहा था, और वो साया कब उसके करीब आता जा रहा था उसे पता भी नहीं चला। तभी अचानक से राजेश का एकदम से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ता है, और उसे होश भी नहीं रहता कि वो इस टाइम पर उस खंडर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर था, और वो उतने ही ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते के साथ ही उसका सिर फट जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते के साथ ही वो साया उस जगह से गायब हो जाता है, और दरवाज़ा भी इधर टूट जाता है। इसके बाद गीता कहती है, यार समय बर्बाद किए बिना यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। फिर वो सब लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ से कैसे भी करके निकल जाते हैं और सीधा स्टूडियो के लिए जाते हैं। आयुष कहता है, चौहान जी आज हम सब यहाँ एक साथ ही रहते हैं, कल सुबह हम सब लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे, उसके बाद वापस उस खंडर में जाएंगे हमारा कैमरा और जो लोग गायब हैं उन्हें ढूंढने के लिए। ठीक है आयुष, तुम ठीक कह रहे हो,
चौहान बोलता है। अगले ही दिन आयुष, झुंझुना और चौहान पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर साथ के साथ स्पेशल फोर्स को लेकर उस खंडर पहुंच जाते हैं। उसके बाद चौहान कहता है, आयुष सारे कैमरे निकाल दिए क्या? हाँ मैंने सारे कैमरे निकाल दिए हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, चौहान जी हमें यहाँ पर कुछ लाशें मिली हैं, आप ज़रा देख कर बताएंगे कि आप इनमें से किस किस को पहचानते हैं? क्या लाशें? जी हाँ, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चौहान और आयुष उन लाशों को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। चौहान जी आप इनमें से देख कर बताइए कि आप किस किस को जानते हैं? चौहान सारी लाशों को ध्यान से देखने लगता है और सब लाशों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर पूछता है, चौहान जी क्या हुआ, ये कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? ये सब वही लोग हैं जो हमारे साथ फिल्म शूटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी अचानक से दो हवलदार एक और लाश को लेकर वहाँ पर आते हैं। उसके बाद वो हवलदार बोलते हैं, सर हमें यहाँ पर एक और लाश मिली है, ठीक है इसको यहाँ पर रख दो और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो हवलदार उस लाश को वहाँ पर रख कर वहाँ से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, चौहान जी क्या आप इसे पहचानते हैं? चौहान ठीक से उस लाश को देखने लगता है और चौंक जाता है और कहता है, क्या मैं इस लाश, एकदम चौंक जाता है। आयुष कहता है, क्या मैं इस लाश को देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर, इंस्पेक्टर बोलता है। आयुष भी उस लाश को देखता है, वो देख कर उसे एकदम चौहान की तरह चौंक जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, क्या आप दोनों इस लाश को जानते हो क्या? जी हाँ, ये राजेश है, हम जो फिल्म बना रहे थे उसी का मेन लीड डायरेक्टर यही था। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है आप लोग अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि आप सब शायद लाश देखने की हालत में नहीं लग रहे हैं। मैं मेरे साथ एक और स्पेशल फोर्स को लेकर इस पूरे खंडर की तहकीकात करूँगा, आप यहाँ से अभी के लिए जा सकते हैं। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और इंस्पेक्टर और स्पेशल फोर्स वहाँ की पूरी तलाशी लेने लगती है। फिर कुछ दिन बाद जब उन सबको वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे खूनी का पता लगाया जा सके, तो उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेकर उस किले को सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रखने के लिए तय कर दिया गया और धीरे धीरे इसी के साथ समय बीतता गया। 9 से 5 के बीच में अक्सर लोग उस किले को देखने के लिए आते हैं। ऐसा होता भी कैसे नहीं, एक रात में उस खंडर में इतने सारे लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से रात के समय कोई भी उस खंडर के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता था और हर रात को इस किले के ऊपर एक काला साया दिखाई देता और उसके बाद एक ही आवाज़ पूरे माहौल में गूंजती, चाचा मुझे बचाओ। किसी को ये तो नहीं पता कि ये घटना सच्चाई है या फिर सिर्फ एक फसाना, लेकिन आसपास के लोग इस कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाते हैं ताकि वो रात में जल्दी सो जाएं। लेकिन आखिर कौन ही जानता है, सच्चाई तो बस उन लोगों ने ही देखी है जो उस खंडर में अंदर गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे हम करते हैं 700 लाइक्स का। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।